Hey guys, welcome back to my channel Foodology by Shweta. On the occasion of Independence Day, today we are going to make tricolor cake. So without further delay, let's start. Maida, sugar, baking powder, baking soda ko bari bari se sieve kar le. सभी ड्राई मिक्सचर को अच्छी तरह मिला लें। एक दूसरे बोल में कर्ड, ऑयल एंड वनीला एसेंस को अच्छी तरह मिला लें। अब इस वेट मिक्सचर को ड्राई मिक्सचर में धीरे धीरे डालकर अच्छी तरह बीट कर लें। अब केक के टिन को अच्छी तरह ग्रीस कर लें। अब बैटर को उसके अंदर पोर कर लें। ओवन को 180 डिग्री टेम्परेचर सेट करें। 7 मिनट तक उसे प्रीहीट करें। केक के टिन को डालकर 10 मिनट तक उसे बेक कर लें। ओवन से निकालकर उसे ठंडा कर लें और फिर उसे टिन से निकाल लें। दूसरे टिन को ग्रीस करें। अब ग्रीन कलर डालकर उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मिक्सचर को टिन में पोर कर लें। 10 मिनट तक उसे बेक कर लें। ठंडा होने दें और फिर उसे टिन से निकाल लें। फिर दूसरे मिक्सचर को बोल में पोर करें। सैफरन कलर डालें और अच्छी तरह मिला लें। टिन को वापस से ग्रीस करें और उसके अंदर मिक्सचर डाल दें। 10 मिनट तक उसे बेक करें। ठंडा कर लें और फिर उसे टिन से निकाल लें। केक अब रेडी हो गया है। इसके ऊपर के पार्ट को नाइफ से कट कर लें। एक बोल में आइस डालें और दूसरे बोल को उस पर रख दें। व्हिपिंग क्रीम डालें और तब तक बीट करें जब तक स्टिफ पीक फॉर्म ना हो जाए। दो बोल लें जिसमें एक में ग्रीन और सैफरन कलर डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। पाइपिंग बैग को ग्लास में इंसर्ट करें और उसमें क्रीम डालें। ट्राई कलर का 3 कोन बना लें। ट्राइकोन अब रेडी हो गया है। अब एक बड़ा पाइपिंग बैग लें, उसमें नोजल डालें और तीनों ट्राइकोन को उसके अंदर डाल दें। तीनों लेयर को एक के ऊपर एक रख दें। व्हिपिंग क्रीम डालें और चारों तरफ रैप कर लें। रैप को कवर करते हुए उस पे अच्छी तरह से क्रीम लगा लें। अब पाइपिंग बैग से उसे डेकोरेट कर लें। ट्राई कलर केक अब रेडी हो गया है।